बर्थडे मॉर्निंग अब स्टार्ट हो चुका है। माँ ही नहा धो कर के पूजा पाठ कर रही है। एक्चुअली माँ ही को उसकी नानी ने साते भक्तु एक मंत्र सिखा रखा है, वो गाती है और पाठ भी जो भी राइम्स उसको आता है वो भगवान जी को सुना देता है। साते रेडी हो चुकी है, उसके पैर कलर कर दिए, पायल पहना दिया, नए सैंडल पहन रही है और नई चूड़ियाँ, पिंक कलर का पिंक एंड वाइट ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी। हेयर बैंड भी मैंने पिंक कलर का अभी ले लिया मॉर्निंग के लिए, अभी वो पहन के बहुत फुदक रही है। और हम लोग सब लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए, पहले तो मंदिर में हम लोग पूजा कर लें। मंदिर से घर जा रहे हैं, मुझे घर में बहुत ही सारा काम है। एक्चुअली मुझे थोड़ा पार्लर भी जाना है, मेरे बाल की कटिंग मुझे करवानी है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और आईब्रो भी बनवाना है, तो मैं अभी पार्लर जा रही हूँ। बाय टेंटर है, मैं पार्लर पहुँच गई, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के आए हैं और अब देखते हैं ये लोग मुझे कौन सा लुक देते हैं। आईब्रो भी बनवाना है थोड़ा सा, तो आईब्रो बनवा लूँगी। फ़िलहाल मैं हेयर कटिंग और हेयर स्पा ले लेती हूँ, हेयर स्पा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, तो वही मैंने पूछा कि हेयर स्पा स्टीमिंग वगैरह भी करेंगे या नहीं, तो इन्होंने बोला आपके बाल क्योंकि ड्राई है तो स्टीमिंग नहीं होगी। तो ऐसे ही बस कटिंग सेट करवा लेते हैं बाल और आईब्रो बनवा लेते हैं। बहुत ही सारा काम है, खाना बनाना है, शाम की तैयारी करना है, सो बहुत बिजी हूँ मैं। बहुत सारी तैयारी चल रही है, अभी खाना बना रही हूँ। ऐसे मैंने कुछ खास रेसिपी नहीं रखा है, जैसे पटना के स्पेशल है चाट समोसा, तो वही बना रही हूँ। ये उसका आटा गूंथ लिया मैंने, ये उसका आलू हो गया और उसके समोसे के मसाले की तैयारी कर रही हूँ, और चाट का छोला मैंने बनने के लिए डाल दिया है, बहुत टेस्टी लगेगा, प्लीज़ आप लोग। वाओ, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोगों ने बैलून वाले को बुलाया है, कितनी फटाफट ये लोग बैलून मतलब फुला के सजा रहे हैं। घर में फुलाना हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये सिर्फ सजावट करने में पूरा दिन लगता है। देखिए कुछ नया आया, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वाओ, नया सोफ़ा, आज के दिन अमित रंजन ने नया सोफ़ा ख़रीदा है, तो आ गया मेरा नया सोफ़ा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, एक्चुअली मैं ही मना करती थी लेकिन इन्होंने फाइनली ले आए और बहुत अच्छे दिन लाए, थैंक यू। वाओ, घर एकदम मतलब सज चुका है बर्थडे के लिए, और बैलून तो मतलब मेरा फेवरेट है, मुझे बर्थडे बिना बैलून के मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है मुझे बैलून वगैरह। पूरा बैलून सजाया है, हैप्पी बर्थडे लिखा है, गेस्ट हमारे आने स्टार्ट हो गए हैं, जिन थोड़े मोड़े लोगों को हमने बुलाया वो लोग आ रहे हैं, तो बस सब स्टार्ट हो रहा है। नहीं आ चुकी है, सबको एकदम पटियाला सूट पहन के ना, मतलब सबको डांट रही है, सूट पायल पैर कलर हाथ में बाला, मतलब इतनी प्यारी लग रही है लड़की, एकदम खुश होकर इधर उधर पूरी फुदक रही है, सबको एंटरटेन कर रही है और खुद भी एंटरटेन हो रही है, बहुत प्यारी लग रही है देख के मुझे। और दूसरा, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ अपने न्यू हेयर स्टाइल के साथ, मैंने ब्लाउज दुपट्टा और स्कर्ट पहना हुआ है, और ये तीनों चीज़ें मैंने मॉल से अमित के साथ ख़रीदा था, मोर पंख के ब्रांड के हैं ये, बहुत प्यारे लगते हैं। और अब फोटो टाइम थोड़ा सा,
बच्चों की मस्ती पूरा स्टार्ट है। पार्थ और माही की फ्रेंड ये सारे लोग एकदम डांस कर रहे हैं, कुछ भी हो लेकिन सबसे ज़्यादा मस्ती ना बच्चे ही करते हैं किसी के बर्थडे में, चाहे मेरे बच्चे दूसरे के यहाँ जाए बर्थडे में या दूसरे के मेरे यहाँ जाए, सबसे खूबसूरत यही चीज़ लगता है, बहुत प्यारे लगते हैं। सब लोग केक का वेट कर रहे हैं, केक एकदम यमी यमी केक आ चुका है, अब केक कटिंग होगा। केक कटवाने से पहले मैं सबको जो इनसे बड़े हैं हमसे उनको बोलती हूँ मैं टीका लगा दे बच्चे को, अपना आशीर्वाद दे, तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है, सब उसको टीका लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। माही सबको केक खिला रही है लेकिन पार्थ के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, वो बेचारा केक को एकदम दाल चावल की तरह सान के खाए जा रहा है, बेचारे को भूख लग गई थी एक्चुअली, मैं उसको शाम में खाना दिया लेकिन वो खेलने के चक्कर में इतना रह गया सबको देख के कि उसने खाना नहीं खाया, और अभी उसको बहुत देर भूख लगी हुई थी इसीलिए वो केक पे डायरेक्ट हाथ मार रहा है बेचारा मेरा बच्चा। सब लोग ने उसको गिफ्ट भी दिया जो कि बच्चों को खास के बहुत पसंद आता है छोटे छोटे गिफ्ट, और माही का तो मतलब फेवरेट है, माही क्या माही से ज़्यादा उस गिफ्ट से पार्थ खेलता है मेरा बच्चा, दोनों लोग खेलते रहते हैं। अब खाना खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई लेकिन समोसा चाट, चलिए बाय, मैं सबको खाना खिलाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।